वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 12 जो कि है सर्कल। तो आज एक्सरसाइज 12 ए का क्वेश्चंस नंबर 9 देखेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 9। देखिए क्वेश्चंस नंबर क्या है 9। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इन व्हिच कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट पे कॉर्ड सच डेट पीओ बाइसेक्ट एंगल बी पी डी। तो प्रूव डेट ए बी इक्वल सी डी। तो प्रूव करना है कि जो ए बी है, ए और बी और सी डी जो है आपस में इक्वल है, यही तो करना। देखिए मैं क्वेश्चन वीडियो को लंबा नहीं करने के लिए मैं थोड़ा गिवन लिख लिया हूं, ठीक है पहले से। तो गिवन कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिखा हूं, लिखा हूं कि ए बी एंड सी डी आर द कॉर्ड, ये तो पता चल रहा है, आर द कॉर्ड ऑफ द सर्किल हुज सेंटर ओ। तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पे, मतलब कि आपस में दो इंटरसेक्ट करता कॉर्ड एट पॉइंट पी पे। तो पीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी डी, ठीक है ना। तो और इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी इक्वल सी डी है, कंस्ट्रक्शन में किया हूं कि ड्रॉ ओ आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है ना। ओ आर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन ए डी पर और ओ डी ड्रॉ किए परपेंडिकुलर सी डी पे। तो आप देखिए मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूं। तो प्रूफ कैसे होगा, अगर जाहिर सी बात है कि ये दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट करता हूं तो कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि जो ओ क्यू है ओ आर का इक्वल है। तो कह सकते हैं जब वो इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से तो कहेंगे कि आपस में भी ये भी इक्वल है, ठीक है ना। देखिए इसे करके दिखाते हैं। सबसे पहले चलेंगे दोस्तों इन ट्राइंगल, किस में चलेंगे तो देखिए ध्यान से, ओ पी आर में चलेंगे, ओ पी आर में चलेंगे एंड ट्राइंगल किस में चलेंगे, ओ पी क्यू में चलेंगे, ये दो ट्राइंगल में चलेंगे। अगर ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट करते हैं तो हमें जाहिर सी बात है प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे करता हूं, सबसे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट करने के लिए थ्री थिंग्स का रिक्वायर पड़ता हूं। थ्री थिंग्स हमें देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले लिख सकते हैं ना एंगल, क्या लिखेंगे कि एंगल ओ पी आर इक्वल होगा एंगल ओ पी क्यू का, कैसे तो ये गिवन दिया हुआ है, ये आपका गिवन दिया हुआ। और क्या कर सकते हो दोस्तों कि जो ओपी है, ओपी इक्वल ओपी कैसे, तो ये कॉमन हो गया, ये आपको कॉमन है दिख सकता है। और उसके बाद देखिए तो एक 90 डिग्री भी तो बन रहा, तो लिखेंगे एंगल, एंगल क्या लिखेंगे ओ क्यू पी, ठीक है ना। ओ क्यू पी एक हो गया इक्वल एंगल, देखिए ध्यान से ओ आर, यहां पर देखिए ओ आर पी हो जाएगा, ओ आर पी ये क्या होगा, ईच जो है ईच 90 डिग्री का हो रहा। एडमिस कर सकते हैं हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट करने के लिए थ्री थिंग्स, तो थ्री थिंग्स हमें गेन हो गया। देखिए तो कहेंगे कि ट्राइंगल ओ पी आर कॉन्ग्रेट हो गया ट्राइंगल किसका, ओ पी क्यू का, कैसे तो यहां पर लिख देंगे बाय एंगल, एंगल साइड क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया से ये इक्वल हो गया। जाहिर सी बात है जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेट होते हैं तो दियर पार्ट इज ऑल्सो इक्वल होते हैं। तो देखिए पार्ट्स इक्वल हुआ तो यानी कि कौन सा हो गया ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल क्या हो जाएंगे ओ आर हो जाएंगे, कैसे तो सी पी सी टी से, ठीक है ना, एच से आपको कॉन्ग्रेंट हो गया, मीन्स इक्वल हो गया। अब जब इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है हमें क्या प्रूफ करके लाना था, प्रूफ करके लाना था यहाँ पे कि ए बी जो है सी डी का क्या है इक्वल है। तो सी डी का इक्वल कैसे होगा, तो लिख देंगे यहां पर क्या लिखेंगे कि जो ए बी होगा ओ किसका इक्वल है सी डी का, ये आपको लिख देंगे यहां पर प्रूव्ड हो गया, ये आपको यहां पर क्या होगा हेंस प्रूव्ड। आई थिंक वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। जय हिंद जय भारत।